लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में अहम पेशरफ, तहरीके इंसाफ के 13 रहनुमा बेगुनाह करार। मुकदमात से दहशतगर्दी के दफात भी खत्म कर दी गई, मुलजिमान बेगुनाह हैं, गिरफ्तारी मतलूब नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अज़र समेत दीगर रहनुमा अदालत पेश हुए। मुलजिमान ने अपनी अबूरी जमानतें वापस ले ली। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। हमारे खिलाफ दर्ज तमाम झूठे मुकदमात खारिज होंगे। नून लीग नहुसत लीग है, महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि जाली हुकूमत के बनाए गए केसेस खत्म हो गए, पंजाब हुकूमत अब आवाम के मसाइल हल करेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली, नून लीग हमेशा उससे हथकंडे इस्तेमाल करती है, दहशतगर्दी की दफात दर्ज करना फस्ताहियत है। मुस्तरद जमशेद चीमा ने कहा कि पंजाब को इनके चुंगल से आज़ाद कराया, इस्लामाबाद को भी कराएंगे। जुल्म जैसे पंजाब से खत्म हुआ, वैसे विफाक से भी खत्म हुआ। तीन साल कबल भारत ने गयूर कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक को जोर बंदूक छीना। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील करके तमाम बैन अल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पैगाम, कहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत मुसलसल आग और खून से खेल रहा है, बैन अल-अक़वामी बरादरी को कश्मीरी आवाम की आवाज़ पर बेदार होना पड़ेगा। लारियडा पुलिस पतंग फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। पतंग फरोश फराज को 800 पतंगों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम दीगर अजला में से पतंगे लाकर लाहौर में फरोख करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया।